कहते हैं कि हर व्यक्ति एक हुनर लेकर पैदा होता है, बस जरूरत होती है उस हुनर को दुनिया के सामने लाने की। हालांकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस हुनर को सही ढंग से जमाने के सामने पेश कर पाते हैं और समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। अब ऐसे ही विदर्भ के प्रतिभावान लोगों की प्रतिभा को सराहने का काम कर रहा है BCN अपने विदर्भ टैलेंट इस शो के जरिए, जिसमें मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे विदर्भ टैलेंट इस शो के जरिए हम आपको मिलाने जा रहे हैं नागपुर की शान प्राची प्रजापति से। प्राची, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। प्राची प्रजापति ये महाराष्ट्र बेस्ट डांसर की टॉप फाइनल्स की प्रतिभागी है, जिन्होंने ना सिर्फ नागपुर का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे महाराष्ट्र का अपने डांस से दिल जीत लिया है। प्राची, फिर एक बार आपका स्वागत, और बहुत सारी बातें आज आपसे करनी है, बहुत सारी चीजें आपसे पूछनी है, बट सबसे पहले डांस आप करती है तो डांस के बारे में आपका जो लगाव है उसके बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे लिए डांस बहुत मैटर करता है, क्योंकि एक बार मैं खाना नहीं खाऊंगी लेकिन आई डू डांस, बिकॉज वो एक अलग ही, उसका एक अलग ही नशा होता है। अगर आप डांस करते हो तो आप कोई चीज़ के बारे में सोचते नहीं हो, आप सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस करते हो, मुझे डांस करना है, मुझे इंजॉय करना है। सो आई लव टू डू डांस बिकॉज डांस इज़ माई सोल, एंड मेरा सपना जिस चीज़ में है वो सिर्फ डांस में है, और मेरे फैमिली का सपना भी उसी चीज़ से जुड़ा है, तो मैं बहुत अटैच हूँ डांस से। मेरे यहाँ पर्सनली ये कहना है कि डांस एक ऐसी चीज़ है जिससे हर एक टेंशन दूर होती है, फैमिली टेंशन हो या फ्यूचर की टेंशन हो या कोई भी टेंशन हो, सिर्फ जाके 10 मिनट भी आपने नाच लिया या डांस कर लिया, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर कोरियोग्राफ्ड हो स्टेप या कुछ भी हो, लेकिन अगर जाके आपने, जैसे बैंड वगैरह में भी आप लोग नाचते हो तो आप लोग ये नहीं सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे, वैसे ही है कि किसी के बारे में मत सोचो, तो सिर्फ नाचो, एंजॉय करो, बस एंजॉय। ओके प्राची, आपने महाराष्ट्र बेस्ट डांसर की आप फाइनलिस्ट में थी, नागपुर की आप कहीं ना कहीं शान है, यार इस जर्नी की शुरुआत कैसी हुई, मतलब एक नागपुर की लड़की से नागपुर की शान बनने तक की ये जर्नी जो है उसके बारे में जानना चाहती हूँ। एक्चुअली जब ये ऑडिशन आया था महाराष्ट्र बेस्ट डांसर का, तब मुझे पता नहीं था, और मेरे जो सर है अजय वानखेड़े, उन्होंने मुझे बताया कि प्राची ये ऑडिशन आ रहा है तो आप दोगे क्या, तो मैंने बोला सर अभी फिलहाल कोई ऑडिशन नहीं है और प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है इतना जैसे होना चाहिए, सो करते हैं, करके देखते हैं क्या होता है शो में। तो हम लोग ने जस्ट उसके एक दिन पहले हम लोग ने वीडियो अपलोड किया, लास्ट डे थी नेक्स्ट डे की, उसके जस्ट एक दिन पहले हम लोग ने वीडियो निकाला और अपलोड किया, और कॉल आता है मुझे कि प्राची आपको मुंबई आना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक मैम क्यों मुंबई आना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि आपने जो वीडियो सोनेले वैप पे अपलोड किया था तो आप उस पर सिलेक्ट हो गया, आपको ऑडिशन सेकेंड ऑडिशन के लिए आना पड़ेगा। मैंने बोला ओके ठीक है मैम, कब आना है, फिर उन्होंने डेट वगैरह दिया, फिर हम लोग गए भी, परफॉर्मेंस किया तो सबको अच्छा लगा, सब तो भी मेरे मन में ऐसा था कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र बेस्ट डांसर था और महाराष्ट्र के सारे बेस्ट डांसर्स आए थे ऑब्वियसली, तो मैं फिर मैंने तो भी अपना बेस्ट देने की कोशिश की, फिर जैसे लेवल आप होते गया और एक कहीं ना कहीं मन में ऐसे नर्वसनेस रहती थी कि क्या मैं आगे तक जा पाऊँगी, क्या मैं, मेरा जो सपना है फिनाले तक पहुँचने का क्या वो पूरा हो पाएगा, लेकिन इस चीज़ में मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसी ने किया है तो मेरी जो कोरियोग्राफर थी महाराष्ट्र बेस्ट डांसर में, श्वेता दीदी एंड सुशील दादा, ये दोनों ने मुझे बहुत ऐसे स्ट्रेसफुली नहीं रखा मुझे कभी कि हाँ स्ट्रेसफुली ले या बहुत एकदम फोकस्ड हो किसी चीज़ में, नहीं, उन्होंने बोला डांस है, 1 मिनट का डांस है, ज़्यादा भी नहीं है, सिर्फ परफॉर्म करना है और अपना जो दिल की जो बात है वो उन तक पहुंचनी चाहिए, बस दैट्स इट, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, स्ट्रेस मत ले, कुछ मत सोच, सिर्फ परफॉर्म कर। सो आज मैं जहाँ तक फिनाले तक पहुंची हूँ तो उन दोनों की वजह से, और अपनी फैमिली तो रहती है हमेशा अपने साथ, अपने जो हमेशा स्टार्टिंग से गुरु रहते हैं वो तो रहते ही अपने साथ, सो पूरा सब तरीके से सपोर्ट था, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और
लाइक बहुत अच्छे लोग भी मिले मुझे वहाँ पे। ओके अवरा जी, कहीं ना कहीं आपने कहा कि डांस आपका सोल है, तो यार ये डांस करने का आपने मतलब कब से शुरुआत की? लाइक बचपन से ये चीज़ थी कि बाद में घर पे किसी ने बोला या फिर ऐसी कुछ चीज़ हुई थी, इसके बारे में जानना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक्चुअली जब मैं छोटी थी तब घर के पास में बजता है ना लाइक गणपति वगैरह आते हैं तो ढोल वगैरह बजते हैं, तो मेरा मतलब ऐसा रहता था कि मैं घर से उतर के डायरेक्ट वहाँ पे जाके नाचने लगती थी और मेरी मम्मा बोलती थी कि क्या आप वहाँ जा रहे हो, आप घर पे रहो, ऐसा ऐसा। फिर एक बार देखा, दो बार देखा, तो मम्मी बोले चल ठीक है, जब इसको इतना ही इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो क्लास लगा के देखते हैं। तो फिर ऐसे हम लोग ने क्लास लगाया, फिर वो क्लास में थोड़ा सा सीखा, फिर उनकी शादी हो गई तो फिर उन्होंने भी सिखाना छोड़ दिया। बट वहाँ से लेके मेरा जो जुनून स्टार्ट हुआ डांस को लेके, तो मैं ऐसी थी ना, ये क्लास छूट गई ना, उन्होंने छोड़ दिया ना, अभी दूसरे क्लास में ट्राई करते हैं। सो ऐसे करते करते फाइनली मुझे अजय सर मिले और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ उनके साथ हूँ, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे, बाकी लोगों ने सिखाया बट उन्होंने डांस कैसे स्टार्ट करना और ए टू जेड कैसे डांस का सीखना, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सिखाया, तो उनके वजह से इतना सब कुछ है आज। ओके प्राची, आपके बारे में मुझे ये भी पता चला था कि आपके घर पे बहुत सारी ट्रॉफीज़ है, मतलब कंपटीशन, मतलब जगह नहीं है ऐसे पूरी अलमारियों में भरी हुई है, उनको कहीं ना कहीं रखा हुआ है, जगह ही नहीं है, पर नहीं। बहुत सारी, इतनी आप ट्रॉफी लाते जाते यार कहाँ पे रख देते हो फिर बाकी सारी? एक्चुअली कैसा रहता है ना, मेरा घर बहुत छोटा है, जैसे कि आपने देखा होगा जो इंटरव्यू था उसमें, मेरा घर बहुत छोटा है, तो उसमें लाइक मतलब ट्रॉफी मुझे हर बार मिलती थी तो मेरे पास जगह नहीं थी। तो फिर हम लोग के घर में एक मचाना है, वहाँ पे हम लोग उसको प्रॉपरली जमा के बोरी में बांध के ऊपर रखते हैं, और फिर जब कभी भी देखने का मन होता है या कुछ करता है तो फिर निकाल के देख के फिर वापस से रख देते हैं। सो ऐसा है, बट कभी कभी लगता है कि घर अच्छा हो और मैं भी अपनी ट्रॉफीज को रखूं पूरा अच्छे से डेकोरेट करके। हाँ, तो मतलब पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि अपने खुद के रूम में रखूं मैं, कि ये मेरे अचीवमेंट्स थे और इससे भी ज्यादा बढ़ के मुझे कोई अचीवमेंट करना है जिससे मेरी फैमिली, मेरे से जुड़े जितने भी लोग हैं उनका नाम रोशन हो और वो लोग प्राउड करें। ओके प्राची, हमेशा अपनी लाइफ की जो पहली चीज़ है, पहली कोई भी चीज़ जो हम करते हैं वो हमेशा हमें याद रहती है, तो आप इतनी सारी कॉम्पिटिशन्स में गए हैं, आपकी पहली कॉम्पिटिशन उसमें जीते थे हारे थे वो पूरा जो एक्सपीरियंस है ना आपसे जानना चाहते हैं। एक्चुअली मेरी सबसे पहली कॉम्पिटिशन ही बोला जाएगा ये चीज़ को, जब मैं छोटी थी तो तब हम साथ साथ पिक्चर रिलीज हुई थी, उसमें का सॉन्ग था मैया यशोदा, एंड तब वो बहुत ट्रेंड में था, हर दो तीन बच्चों के बाद में मैया शोधा बसता ही था। तो तब मेरी मम्मा थी, तो मेरी मम्मा ने मुझे दिखा दिखा के सिखाया था, मतलब फर्स्ट टीचर अगर कोई थी मेरी तो मेरी मम्मा थी, उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने कैसेट लेके आया था, उस टाइम पे कैसेट चलती थी, कैसेट लेके उन्होंने रिवाइंड कर करके मुझे सिखाया था। सो मम्मा ने मुझे सिखाया, फिर मैंने घर के पास में ही ऐसे मंडल्स वगैरह रहते थे वहाँ मैंने परफॉर्म किया था, और तब वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि नहीं मौसी बहुत पुराना सॉन्ग हो गया है, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा देखने में, फालतू का बच्ची को स्टेज पे चढ़ाओगे और उतार दोगे, नहीं अच्छा है सॉन्ग नहीं। मम्मा ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ एक पैराग्राफ बजा दो, मेरी लड़की की इच्छा पूरी कर दो, एक पैराग्राफ बजा दो। उन्होंने एक पैराग्राफ तो क्या पूरा गाना ही बजा दिया, उनको इतना अच्छा लगा। और मेरा सेट ही नहीं था, मैंने सिर्फ दो पैराग्राफ सेट किया था, उसके बाद तो मैंने अपने मन से ही किया जो कुछ भी किया। बट हाँ, वहाँ से चालू हुआ जर्नी करना कि ऐसा ऐसा है। ओके, जब हम आपके फर्स्ट ट्रॉफी की बात करें, मतलब फर्स्ट जो जीती हुई ट्रॉफी है, तो वो वाला कॉम्पिटिशन किस तरीके का था, उसका एक्सपीरियंस क्या था? हाँ, एक्चुअली फर्स्ट मेरी ट्रॉफी थी स्कूल आइडल की, वो विदर्भ का कॉम्पिटिशन था। उसमें ऐसा था कि फर्स्ट ऑडिशन आप खुद का परफॉर्म करो, सेकेंड ऑडिशन में उन्होंने मतलब गाने दिए थे अपने को, फाइव टू फोर सॉन्ग्स दिए थे उन्होंने, उनमें से आप अपने लिए कोई भी सॉन्ग चॉइस करो और ऑन स्पॉट परफॉर्म करो। सो हम लोग ने वो किया, फिर उसके बाद में मैंने वो परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद में फिर फिनाले तक गई, फिनाले के बाद में फिर मुझे मतलब विदर्भ की स्कूल आइडल का अवार्ड मिला, वो मेरा सबसे पहला अवार्ड था और आज तक वो अवार्ड मैंने बहुत संभाल के रखा है, वो पूरा कांच का है, वो इतना डेलिकेट है, अगर छूट भी गया ना तो टूट जाएगा। तो मैं ऐसी हूँ कि फर्स्ट ट्रॉफी है मेरे लाइफ की, तो मैंने बहुत संभाल के रखा है।
प्राची आपसे और भी चीज़ें पूछनी थी, मतलब मुझे ये जानना था आपसे कि यार जो प्राची ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कोरियोग्राफी किए हुए डांस वगैरह करती है, क्या उसको संदल में गणेश उत्सव में डांस करना अच्छा लगता है? मुझे बहुत पसंद है, लाइक टू बी ऑनेस्ट जितना कोरियोग्राफ चीज़ों में मज़ा नहीं आता है ना, उससे ज़्यादा मज़ा संदल में, ढोल में और विसर्जन में नाचने में आता है, क्योंकि उस टाइम आप सोचते ही नहीं हो किसी के बारे में कि सामने कौन है। एक कितना भी बड़ा इंसान आके भी खड़ा हो जाए ना, तो भाई तू रहने दे, मैं तो नाचूंगी, मैं तो एंजॉय। अच्छा तो मैं क्या हम ये कह सकते हैं कि प्राची को कोरियोग्राफ डांस से अच्छा संदल वाला डांस अच्छा लगता है? ऑब्वियसली ऐसा भी है, और सम टाइम जैसे कुछ कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने बहुत खास होते हैं, हाँ, और उसको परफॉर्म आप कितने बार भी कर लो ना तो आप बोर नहीं होते। सो कुछ कुछ परफॉर्मेंस है ऐसे जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं और मैं चाहती हूँ मैं वो करते रहूँ और उसमें भी कुछ अच्छा करूँ। आपने अभी जिक्र किया कि कुछ कुछ परफॉर्मेंस जो है आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऐसे कौन सी परफॉर्मेंसेज है जो मतलब आपने परफॉर्म किया और उसके बाद लगा यार ये ना सही था, बहुत परफेक्ट था ये? एक्चुअली मेरा महाराष्ट्र बेस्ट डांसर का जो था जर्नी, उसमें ऐसा था कि आई एम नॉट अ क्लासिकल डांसर, मैंने कभी क्लासिकल ट्राई नहीं किया, और श्वेता दीदी का स्टाइल था स्ट्रीटो क्लासिकल। सो जब हमारा कॉम्बिनेशन हुआ तो मैं थोड़ी सी नर्वस थी क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं था ये सब चीज़ें कि मतलब क्या होती है। हाँ सर ने मुझे सिखाया था कि ऐसा ऐसा होता है, मुद्राएं होती है उसमें, ऐसा होता है, नज़ाकत होती है ऐसा, लेकिन उसको हम लोग ने इतना डिटेलिंग में नहीं पढ़ा था जितना डिटेलिंग में मुझे श्वेता दीदी ने समझाया। फिर श्वेता दीदी ने लाइक बहुत लाइक उन्होंने भी मुझे क्लासिकल का ABCD से ही स्टार्ट किया। तो हम लोग का एक एक्ट था जब हमने लव को डिफाइन किया था, उसमें हम दोनों बने थे स्वैन, और स्वैन ये सिंबल होता है लव का। तो हम लोग का एक्ट दोनों का फेवरेट एक्ट है, वो हम दोनों का बहुत दिल के करीब है वो एक्ट, क्योंकि उस टाइम दीदी ने बोला था कि तू मुझे जितना प्यार करती है वो मुझे दिखा, और मैं तुझे जितना प्यार करती हूँ मैं अभी दिखाऊंगी। सो वो बहुत लाइक अच्छा हुआ था, हम लोग का अनएक्सपेक्टेड एक्ट था क्योंकि उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम जा रहा था, और हमको स्टैंडिंग ओवेशन मिला और बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ क्रिएट हुआ, सुशील दादा भी आए थे हमारे साथ, तो बहुत अच्छा लगा हमको वो एक्ट और बहुत फेवरेट था। प्राची अब तक की आपकी जर्नी थी बहुत, मतलब हमेशा ऐसा होता है ना कि ट्रॉफीज तो खैर मिल रही है पर कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं कि यार हम खुद ब्रेक हो जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि ऐसा लगता है यार ये कैसे हो गया, हार गए, तो कभी आपके साथ ये चीज़ हुई, और अगर हुई तो वो एक्सपीरियंस क्या था? मैम टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो मेरे साथ हमेशा ये चीज़ होती थी जब से मैंने स्टार्ट किया मतलब डांसिंग करियर में। तो डांसिंग में ऐसा रहता है कि पहले ही आप बहुत बड़े नहीं बन जाते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, एंड पहले फर्स्ट ऑडिशन रहता है, फिर सेकेंड, मतलब ये सब चीज़ें अंडरग्राउंड होती है, फर्स्ट ऑडिशन, सेकेंड ऑडिशन, जो सिटीज़ वगैरह में ऑडिशन दिखाते हैं तो ये लोग चीज़ें अंडरग्राउंड करते हैं। इसके बाद में ही मतलब वो फिफ्थ टू सिक्स्थ ऑडिशन रहता है जब वो टीवी पे टेलीकास्ट होता है। तो इतने राउंड्स पार करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि मतलब कैसे पार करेंगे, और हर बार अपने को एक ही परफॉर्मेंस और अच्छे से देना पड़ता है, और अच्छे से देना पड़ता है। सो ऐसा रहता है, एक रियलिटी शो तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, कभी आप फर्स्ट ऑडिशन में बाहर हो जाते हो, कभी आप सेकंड में, कभी आप थर्ड में, मतलब आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाता है। मैं तो पहले फर्स्ट में बाहर हुई थी, फिर उसके बाद सेकंड में आउट हुई, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर कलीग राउंड में, फिर स्टूडियो, मतलब ऐसे धीरे धीरे करते 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 वहाँ तक पहुँचे हूँ। ओके प्राची आपसे ये जानना था कि मतलब हमेशा हम लोग जो भी सक्सेस पाते हैं उसमें बहुत सारे लोगों का मतलब हेल्प रहती है, और उसमें आपने बताया आपकी फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, साथ ही महाराष्ट्र बेस्ट डांसर के जितने भी लोग थे उन्होंने आपको बहुत सारे सपोर्ट किया, तो इन सब में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका था, सबसे ज़्यादा हेल्प आपको उस चीज़ को अचीव करने में किसने की थी? मेरी मम्मा जो हमेशा मेरे साथ होती है, जो हर एक सुख में, हर एक दुख में, हर एक ऑडिशन में, हर एक इवेंट में मेरे साथ होती है, तो वो मेरी मतलब मैं वो मेरे को अपने शैडो की तरह रखती है, वो कभी मुझे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती। सो मेरी मम्मा है ऐसी जिनकी वजह से मैं आज इतना दूर तक हूँ। आप अभी महाराष्ट्र बेस्ट डांसर में चले गए थे, मतलब नागपुर की शानवान, अच्छा खासा फैन, एकदम सेलिब्रिटी वाला फील,
ये सेलिब्रिटी वाला फील आने के बाद ऐसे बहुत सारे होते हैं ना फैन मोमेंट्स, कुछ होते हैं तो ऐसा कुछ कभी आपके साथ हुआ है जिसके बारे में आप बताओगे? फैन मोमेंट तो नहीं हुआ, बट ऐसा हुआ था कि मतलब मेरे जो सर है वो कभी दिखाते नहीं है कि वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लाइक ऐसा है उनका उनका नेचर ही वैसा है कि वो अगर किसी से प्यार करते तो कभी जताते नहीं है या वो, तो पहली बार मेरे लाइफ में ऐसा हुआ था कि सर ने मिलके, मतलब हमारे पूरे क्लास के लोगों ने मिलके मुझे सरप्राइज़ दिया था मुंबई से आने के बाद, एंड वो देख के मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने लाइक रोज़ पेटल्स बिछाए थे, उसके बाद जो मैं कैंडल्स वगैरह थे, वेलकम लिखा हुआ था और पूजा रखी थी, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि मतलब वाओ कितना अच्छा एक्सपीरियंस था ये, और बहुत अच्छा लगा। सब लोग आए थे और सब लोग ने बहुत, सब लोग को भी बहुत, मतलब उनके चेहरे से दिख रहा था कि वो लोग प्राउड फील कर रहे थे कि एक नागपुर की लड़की इतने दूर तक गई है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अपराजी आपसे और एक चीज़ पूछनी थी कि आपने जितने भी अब तक परफॉर्मेंस किए तो कभी ऐसा हुआ कि आप नर्वस वगैरह हो चुके हो इस बारे में? ऐसा रहता है कि आप हर परफॉर्मेंस के पहले नर्वस होते हैं क्योंकि ऐसा रहता है इतने हफ्ते से हम मेहनत कर रहे होते हैं और मेहनत करने के बाद आपको एक दिन आपका ऐसा आता है जिस दिन आपको पूरे महीने की, मतलब पूरे हफ्ते की कसरत एक दिन में आपको दिखानी होती है। सो ये नर्वसनेस होती है कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, कहीं कोई स्टेप मिस ना हो जाए, कहीं कोई बीट मिस ना हो जाए। सो हमेशा नर्वसनेस होती है, ऐसा नहीं है कि कभी नर्वसनेस नहीं हुई, हमेशा हम लोग डरते हैं, हमेशा हम लोग मतलब ऐसा रहता है कि सब कुछ अच्छे से होगा ना, सब प्रॉपरली हो जाएगा ना, सारी चीज़ें प्रॉपर होगी कि नहीं होगी, लेकिन एट लास्ट जब आप वहाँ स्टेज पे जाके खड़े होते हो तब आप कुछ नहीं सोच पाते क्योंकि आपको सिर्फ दिखता है आपका परफॉर्मेंस, बस परफॉर्म करना है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, बाकी जो ऊंच नीच हुई 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 बट उसके आगे तो करना है। अच्छा प्राची, अगर मैं आपके रोल मॉडल के बारे में पूछूंगी, मतलब डांस में ऐसे यूजुअली होता है हर किसी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, तो आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल एक्चुअली है तो धर्मेश सर, बिकॉज मैं उनसे मिल चुकी हूँ, मैंने उनको कई बार देखा है, कई बार उनके मतलब उनके साथ रह चुकी हूँ, तो वो मैंने उनके जैसा डाउन टू अर्थ इंसान कभी नहीं देखा। वो बहुत लाइक, वो मेरे को भीड़ में भी देखेंगे ना तो मुझे हाई करेंगे, इतना इतना पहचान चुके हैं और इतने अच्छे से है, और जब भी वो परफॉर्म करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि मैं एक जज हूँ, जस्ट वो परफॉर्म करते हैं जैसा लगता है वैसा परफॉर्म करते हैं, लेकिन खुल के नाचते हैं, सो इसलिए मुझे वो सबसे रोल मॉडल जैसे लगते हैं। अपराजी आपसे ये जानना चाहती थी कि अभी आपने ये महाराष्ट्र बेस्ट डांसर, इसको मतलब फाइनलिस्ट में थे आप, अभी इसके बाद आपको क्या करना है, किस तरीके से जाना है, कुछ तो डिसाइड किया गया, फ्यूचर गोल्स वगैरह कुछ होंगे, क्या बताओगे आप? ऐसा तो है बिकॉज अभी कैसा, ये महाराष्ट्र बेस्ट डांसर था, अभी मुझे नागपुर को नेशनल लेवल पे दिखाना है और उसके बाद फिर इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। सो ऐसे धीरे 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 बढ़ते जाता है क्योंकि एक टाइम कोई भी, इनफैक्ट कोई भी इंसान रहे वो सेटिस्फाई कभी नहीं होता, वैसे मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि अभी तो एक चीज़ मिली है, अभी पहली स्टेयर्स मिली है, दूसरी स्टेयर मिलनी बाकी है, जब वो मिलेगी फिर तीसरी स्टेयर्स के बारे में सोचेंगे तो ऐसा चलते रहेगा। तो कभी ऐसा रहा नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह पे जाके स्टॉप हो गया, नहीं। प्राची ये भी देखा गया है कि बहुत लोग जो अच्छा खासा डांस करते हैं उसके बाद थोड़ा सा एक्टिंग ट्राई कर लेते हैं, फिर फिल्म इसमें जाने का वगैरह ट्राई करते हैं, आपका भी मुझे नहीं है ऐसा कुछ, नहीं तो फिर क्या प्लान उसके मुझे बारे? ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है, लाइक मेरे को एक्टर नहीं, मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, सो मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं एक्टिंग फील्ड में जाऊँ, बट ऐसा है कि मुझे डांसिंग को ही आगे लेके जाना है। बट मतलब यूजुअली, मतलब मैंने जितना सुना है कि डांस में आपकी अदाएं वगैरह दिखती है, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं फेशियल जेस्चर जो वो एक्टिंग में भी दिखाने पड़ते हैं, तो रिलेशन डांस ऐसा कुछ तो हाँ होता है ऐसा, बट ऐसा रहता है ना कि फिर अगर आप एक एक्टिंग, मतलब एक्टिंग वे में अगर आप चले जाओ ना तो जो आपका डांसिंग रहता है वो छूट जाता है। ओके, सो वो दोनों को मैनेज करना साथ में ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक्टिंग में अगर एक बार आप हिट हो गए ना तो आपका करियर वहीं चलते जाता है, आपको एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो आप बिजी हो जाते हो। मुझे नहीं होना अच्छा, मतलब आपको सिर्फ डांस करना है, आपको एंजॉय करना है, संदल वाला डांस भी yes. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको आपकी परफॉर्मेंस में संदल वाला डांस करने के लिए मिल गया और उसके बाद आप भूल गए
कि यार मैं परफॉर्मेंस करने वाली थी, नाचते नाचते याद आ गया कि अपन अपने गली में है डांस करने। नहीं ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, अभी तक तो कभी नहीं हुआ। आगे हो सकता है, चांसेस है, चांसेस है। अच्छा आप जब महाराष्ट्र बेस्ट डांसर्स के यहाँ पे थे तो वहाँ पे मतलब बहुत सारी मेमोरीज बन जाती है, कुछ ऐसी जो स्क्रीन पे दिखती है और कुछ ऐसी बैक स्टेज दिखाई देती है, तो ऐसी कोई मेमोरी जो आप बैक स्टेज थी ऑफ स्क्रीन थी जो आप शेयर करूँगी? एक्चुअली हमारी मैं श्वेता दीदी और सुशील दादा, हम तीनों की बहुत सारी मेमोरीज है क्योंकि हम तीनों हमेशा साथ में होते थे और हम तीनों अपने आप में ही इतने खुश रहते थे ना कि हमको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और इतना मस्ती करना, सुशील दादा भी बहुत मस्ती करते थे, श्वेता दीदी भी हमारे साथ बहुत मस्ती करते थे, हम लोग श्वेता दीदी BTS वगैरह बनाते थे, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ चलते रहता था और बहुत नॉटी बना करते थे हम लोग। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अजीब करते थे, कभी भी उठ के नींद से कुछ भी करते थे हम, तो वो सारी चीज़ें याद है, बहुत याद है। और फिर उसके बाद में हम लोग का आदत था शूटिंग चलते वक्त फिर हमको भूख लगती थी तो हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे ला के रखते थे अपने बेंच के नीचे कि हाँ थोड़ा सा कट वट मिलेगा तो फिर उसके बाद निकाल के ऐसे खाएंगे। सबको चॉकलेट्स मिलती थी तो सब अपनी अपनी चॉकलेट छुपा देते थे, एक दूसरे की चॉकलेट में से थोड़ी थोड़ी बाइट लेके खाते थे, बहुत मज़ा आता था। और एक दूसरे को बहुत इंस्पायर करते थे हम लोग कि नहीं अच्छा है तेरा एक्ट, तू और अच्छा करेगा, तू आज अच्छा अच्छा देगा, तो एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते थे, एक दूसरे को बहुत इंस्पायर करते थे, एक दूसरे के साथ हमेशा। हम लोग ने कभी उस चीज़ को कॉम्पिटिशन वाइज लिया ही नहीं, हम लोग सिर्फ ये सोचते थे अपने को परफॉर्म करना है, बाकी सब जजेस के ऊपर और ऑडियंस के ऊपर छोड़ दो, सिर्फ अपने को परफॉर्म करना है, तो हम सिर्फ यही करते थे, बस बेस्ट देना और एंजॉय पूरा एंजॉय करना है। प्राची आपसे ये पूछना था कि जब आपने जब आप टॉप 5 में पहुंच गए थे, फाइनलिस्ट थे आप वहाँ के, तो उसके बाद ऐसा था ना बहुत सारे ऑफर्स आते हैं यहाँ वहाँ से ऑफर आते, तो ऐसा कभी हुआ मुंबई से वगैरह कॉल आया कोरियोग्राफी के लिए, ऐसा कुछ हुआ कभी आपके साथ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट जब ये सब हमारा चलते रहता है ना तब लोग बहुत हम लोग को जानने लगते हैं। okay. और कैसे भले हम उनके साथ उठते बैठ चुके होते हैं बट तब तक तभी उनको अपनी वैल्यू नहीं पता चलती कि तुम क्या थे। okay. लेकिन जब आप कहीं दिख जाते हो या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे तो लोगों को अपनी वैल्यू पता चलती है और तब वो अपने से जिस तरीके से बात करते हैं वो फीलिंग्स बहुत अच्छी है। अच्छा ऐसा बहुत बार होता है ना कि मतलब कुछ लोग आपको डीमोटिवेट बहुत करते हैं, कभी आपको मोटिवेट नहीं कर सकते पर डीमोटिवेट बहुत करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ अच्छे सपोर्टर्स होते हैं कुछ डीमोटिवेट करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी इंसान ने आपको एक कॉम्पिटिशन के पहले वगैरह बहुत डीमोटिवेट कर दिया और उसके बाद उसी इंसान मतलब वही कॉम्पिटिशन आप जीत गए तो आपने अकड़ गए जीत गए? ऐसा कभी हुआ है? नहीं एक्चुअली मेरा पर्सनली ऐसा मतलब सराउंडिंग है कि हम लोग कभी एक दूसरे को डीमोटिवेट नहीं करते, हम लोग का हमेशा ऐसा रहता है कि एक दूसरे को मोटिवेट करो। मैंने इनफैक्ट नागपुर में भी कंपटीशन खेले है, मैंने कभी किसी के बारे में सोचा नहीं कि okay. भाई कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या मेरे बारे में बात कर रहा है, कौन कैसा बोल रहा है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ा तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं सिर्फ इतना सोचती थी मैं कंपटीशन में आई हूँ, मेरे को अपना बेस्ट देना है, उसके बाद में जो होता है वो भगवान भरोसे और जजेस के ऊपर। ओके बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी बातें करने की इच्छा अभी भी है आपसे पर हमारे पास इतनी शो का टाइमिंग नहीं है, तो मैं एक आखिरी सवाल बस आपसे ये कि बहुत सारी लड़कियां हैं नागपुर में जो डांस में अपना करियर बनाना चाहती है बट कहीं ना कहीं बहुत लोग नागपुर को कम समझ अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, तो ऐसी सारी लड़कियों के लिए, ऐसे सारे डांस लवर्स को आप क्या कहोगे, क्या बताओगे? मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि कभी भी किस्मत से पहले कोई चीज़ नहीं मिलती, जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी होती है वही चीज़ आपको मिलती है। जो चीज़ आप कर रहे हो उसको कभी बंद मत करो, किसी के भड़कावे में आके या किसी ने बोल दिया कि तू कर क्या रही है उनके बारे में सोचो मत, क्योंकि अगर आप दूसरों के बारे में सोचोगे तो आप अपने करियर के बारे में कब सोचोगे, उनकी बातें अपने दिमाग में चलती रहेगी, सब अपना करियर फ्यूचर आगे का जो रहेगा वो ब्यूटीफुल नहीं बना पाओगे और आप अपने सपनों के वे में नहीं जा पाओगे। इसलिए कभी दूसरों के बारे में मत सोचो वो क्या बोलते हैं, बस अपना करो और अपने आप से आगे बढ़ो। okay. किसी का सपोर्ट मत लो, सिर्फ ये सोचो कि मेरे को डांसर बनना है तो मैं बन के दिखाऊंगी और जिन्होंने मेरे को डीमोटिवेट किया है उनको मैं मोटिवेट करके दिखाऊंगी। okay. बस इतना ही कहना था और
प्लीज नागपुर जितना भी जो कुछ भी है, आप लोग अगर कोई भी चीज में, नॉट डांसिंग, अदर कोई चीज है उसमें भी आप लोग आगे बढ़ो और नागपुर का नाम रोशन करो और मेरे साथ जुड़ो। तो यार ये प्राची थी बहुत ही चुलबुली टाइप्स की, बहुत सारी बातें की। कहते हैं ना कि हुनर तो हर किसी में होता है, पर किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है, ऐसा ही कुछ प्राची के साथ है। हुनर बहुत सारा भरा और वो पूरा जो हुनर है वो हमने महाराष्ट्र बेस्ट डांसर में देख भी लिया, और इनके डांस की जो कला है इसको आज हर कोई दाद देता है। प्राची आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें यहाँ पे इतना आपका टाइम दिया, हमने बहुत सारी बातें की। समय थोड़ा कम है इसलिए हमें बंद करना पड़ रहा है, बट एक्चुअली बहुत सारी बातें अभी भी करने की इच्छा है। बट फिलहाल हमारे आज के इस विदर्भ टैलेंट शो में इतना ही, ऐसे अन्य और चीज़ों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।